भी होता है अरे कॉलेज में मजे कर रहे हैं ना, आजकल की बच्चों को ये वाली आदत भी होती है, पीने की आदत भी होती है। जब हम आने वाले भविष्य में कहीं जाएंगे तो ना तो माता पिता आपके साथ आने वाले हैं, ना कोई कॉलेज का टीचर आपके साथ आने वाला है, ना भाई बहन कोई आपके साथ आने वाला है। स्टूडेंट अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आपको को हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। बीएससी एंड बीटेक में आपका अभी अभी एडमिशन हुआ है, आपने जस्ट कॉलेज जाना शुरू करा होगा, या कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कॉलेज को ढूंढ रहे होंगे कि कौन से कॉलेज में मुझे एडमिशन लेना चाहिए। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है कि जब आप कॉलेज जा रहे हैं और आप पहली बार कॉलेज जा रहे हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब फर्स्ट ईयर में जाता है और उसे कुछ चीज़ों का पता नहीं होता है, जब वो सेकेंड ईयर में आता है और कुछ सब्जेक्ट में बैक लग जाती है तब पता पड़ता है कि यार मेरे से ये गलतियाँ होगी, अगर इन गलतियों का मैंने पहले से ध्यान रखा होता तो मेरे साथ ये दिक्कत ना हो रही होती। तो स्टूडेंट इन्हीं पॉइंट पे मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं, सुन बात करेंगे सबसे पहले कॉलेज के बारे में। सबसे पहले तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले लिए हैं, सीनियर से थोड़ा सा रिव्यू ले लीजिए कि यार पेपर का पैटर्न कैसे आता है, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना चाहिए, कौन कौन से लैब्स है, टीचर्स के बारे में भी आप, क्योंकि क्या होता है कि कुछ ऐसे कॉलेजेस भी है जहाँ पर आप क्लास चूज कर सकते हो या जहाँ पर आप टीचर को चूज कर सकते हो किस टीचर से आप पढ़ना चाहते हो, है ना। ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट है, कुछ में तो नहीं होता है, जहाँ पर जो असाइंड होते हैं उन्हीं से आप पढ़ते हैं, तो ये आप थोड़ा सा सीनियर से कंसल्ट कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेक द प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप स्टैटिस्टिक्स, जितने भी आपके सीनियर्स है या आपको जो भी डेटा वहाँ पे प्रोवाइड किया गया या प्लेसमेंट सेल है उससे आप थोड़ा सा आइडिया ले लीजिए कि लाइक इंटर्नशिप के लिए क्या स्कोप है, फ्यूचर में प्लेसमेंट्स कैसे हैं, और अगर प्लेसमेंट्स हैं तो किन किन कंपनी में यहाँ पे प्लेसमेंट होते हैं और उनका क्या प्रोसीजर होता है, राइट। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी कंपनी अगर प्लेसमेंट्स के लिए आती है तो उनका अपना एक प्रोसीजर होता है कि वो टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रही है, फिर इंटरव्यू ले रही है, इंटरव्यू में क्या चीज़ें होती है, ये कहीं ना कहीं जानना ज़रूरी है क्योंकि आने वाले 2-3 साल बाद आप भी इन्हीं सब चीज़ों को फेस करने वाले, तो इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। जो भी आपकी ब्रांच है, अगर आपकी ब्रांच कंप्यूटर साइंस है तो उसके अकॉर्डिंग आप पता करिए, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसके अकॉर्डिंग आप पता करिए, है ना। अगर आप सिविल मैकेनिकल के हैं तो उसके बारे में आप पता करिए, तो ये कहीं ना कहीं आपको सीनियर से पता पड़ेगा या जो भी आपके टीचर्स हैं वो आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि हर कॉलेज में जब आप शुरू होता है तो वहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, तो उस ओरिएंटेशन में इसके बारे में जरूर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। नेक्स्ट, कोर्स एंड करिकुलम, जो भी आपका कोर्स है सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर होता है या बीएससी का फर्स्ट ईयर होता है वहाँ पे फर्स्ट ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वैसे जितनी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज होते हैं उनके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस थोड़ा थोड़ा अलग अलग होता है, है ना। हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस एक जैसा नहीं होता है, अगर आप बीएससी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग कर रहे हैं आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जब आप 11th 12th में पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न होता है वो अलग होता है, जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पे क्वेश्चन पेपर का पैटर्न जो होता है वो अलग होता है, तो कहीं ना कहीं इसको समझना जरूरी है। जब एग्जाम से 1 महीने पहले उनको इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती है और फिर बाद में कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है या फिर मैकेनिक्स है या फिर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है या ऐसे सब्जेक्ट है जहाँ पर इनकी बैक्स लग जाती है, अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट में आपकी बैक लग जाती है, तो इसके बारे में अगर आप जानकारी रखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके पास होने चाहिए या कहीं भी आप फ्रेंड से ले लीजिए, आपकी लाइब्रेरी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं वो आप वहाँ से ले लीजिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस आपको टेक्स्ट बुक रेफर करनी चाहिए, लाइब्रेरी में आपके पास बुक्स मिल जाती है तो आप टेक्स्ट बुक को भी रेफर करिए, ऐसा नहीं कि भाई आप ऑनलाइन कहीं से पढ़ रहे और ख़त्म कर दिया, जो भी बुक्स हैं उनको रेफर करिए, बुक्स में जो आपको नॉलेज मिलेगा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदेमंद फ्यूचर में रहने वाला है। इनफ ब्रेक्स और फ्री टाइम, जब भी आपको ब्रेक मिलता है या आपके क्लासेस नहीं हो रही है या आपको छुट्टी मिल रही है तब कहीं ना कहीं आपको अपनी करियर प्लानिंग पे ध्यान देना चाहिए कि आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हैं। मैं कभी कभी स्टूडेंट से जब बात करता हूँ, कोई फर्स्ट ईयर कर रहा है, सेकंड ईयर कर रहा है, मैं उनसे पूछता हूँ कि आगे तुम करना क्या चाहते हो, तो बच्चा ब्लैंक रहता है, सर अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है, देखेंगे आगे क्या करना है। ये कहीं ना कहीं एक दुखदाई है, स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि वो आगे वाले भविष्य में करने क्या वाला है। प्लानिंग तो बना सकते हैं, राइट, फिर जो भी होना है वो अलग बात है, पर कहीं ना कहीं आपको प्लानिंग जरूर बनानी चाहिए और उस पर काम करना आपको शुरू करना चाहिए। रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, आपको अपना टाइम शेड्यूल भी बनाना चाहिए और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको रिलैक्स, क्योंकि आप क्या करते हैं स्टूडेंट लाइफ में अनप्रोडक्टिव कामों में बहुत ज़्यादा समय खराब करते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको आपको कम से कम खराब करना चाहिए। सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं कॉलेज में जैसे ही स्कूल का बच्चा कॉलेज में आता है तो कहने के वो मजे के मूड में रहता है,
वो कॉलेज में भी एक रजिस्टर लेके जाता है और उसमें अंदर फिजिक्स भी है, उसके अंदर मैथमेटिक्स भी है, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, सिविल भी है, मैकेनिकल भी, दुनिया भर के सभी सब्जेक्ट एक ही कॉपी में लिखेगा वो। फिर घर में आके वापस उसको लिखने का समय नहीं मिलता और जब एग्जाम आता है तब वो कहीं ना कहीं नोट्स जुगाड़ रहा होता है या सीनियर से कुछ ना कुछ नोट्स मांग रहा होता है। ये कहीं ना कहीं गलत है। आपको कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि एक से दो घंटा कंसिस्टेंट स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और देखो एक समय था जब ये सब चीजें चलती थी, पर अभी कंपटीशन दिन ब दिन हायर एजुकेशन में बढ़ता जा रहा है तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। दूसरा एक और चीज होती है कि बहुत सारे कॉलेज ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं इवेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जहां पर पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पर इवेंट पे ज्यादा फोकस किया जाता है, वो अपनी मार्केटिंग इवेंट के थ्रू करते हैं। कुछ ऐसे कॉलेज होते हैं जो इन दोनों का बैलेंस करते हैं। वैसे आपका कॉलेज कौन सा है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा पढ़ाई भी सही नहीं है, ज्यादा इवेंट भी सही नहीं है। हाँ, कहीं ना कहीं दोनों का बैलेंस होना जरूरी है, राइट? तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ज्यादा भी ऐसा नहीं कि कोई कॉलेज ऐसा है जो दिन भर आपकी अटेंडेंस 75%, क्लास में आना जरूरी, दूसरे काम ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये भी सही नहीं क्योंकि को करिकुलर एक्टिविटीज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो दिन भर को करिकुलर एक्टिविटी करते रहते हैं, ये भी गलत है, राइट? तो कहीं ना कहीं आपको इन सब चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आपके इधर ज्यादा एक्टिविटी हो रही तो आप थोड़ा सा कम पार्टिसिपेट करिए और पढ़ाई पे फोकस करिए। अगर आपके यहाँ ज्यादा पढ़ाई हो रही है तो कहीं ना कहीं जब भी कोई एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करिए। स्टूडेंट, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं तो आपको को करिकुलर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड, राइट? ऐसा नहीं कि दिन भर नेतानगरी चल रही, पढ़ाई करना बंद कर दिया, है ना? देयर शुड बी बैलेंस, राइट? आपके माता पिता ने बहुत पैसा खर्च किया है आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में आपका एडमिशन कराया है। कहने के पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि 4 साल बाद बच्चा हमारे लिए कुछ करे, लाइक आप प्लेसमेंट अच्छी कंपनी में हो, उनके लिए यही सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन है कि आप लाइफ में सेटल्ड हो जाए। तो कहने के उसके लिए खुद को हार्डवर्क करना जरूरी है, राइट? अगर आप बीएससी भी कर रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी है कि आप बीएससी के बाद आने वाले फ्यूचर में करने के हवाले, क्योंकि जहां पर बीएससी की बात आती है वहां पर प्लेसमेंट के थोड़े चांसेस कम हो जाते हैं। तो उसके लिए कहने के आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करना पड़ेगा, या आईआईटी जैम है या फिर कोई दूसरा ऐसा एग्जाम है, या आप बीएड के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, व्हाटएवर यू वांट टू डू, बट उसके लिए आप कहने के प्लान करना शुरू करिए, राइट? सो दिस इज माय एडवाइस फॉर यू। एंड बात करेंगे नेक्स्ट अबाउट सेल्फ की, बात करी जाए खुद के लिए हम क्या करें। तो जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए। हैबिट ऑफ रेगुलर स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंजीनियरिंग कॉलेज और बीएससी कॉलेज में बच्चा कभी भी कंसिस्टेंट स्टडी नहीं करता है। आप याद करेंगे अपने 11th 12th वाले दिनों को, आप कितने घंटे पढ़ते थे, और जब आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ है आपने उसको कितना कम कर दिया, ये आपको सोचने की आवश्यकता है। जब मैं बच्चों को 11th 12th वालों को देखता हूँ, वो 8-8, 10-10 घंटे आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहा है, साथ में स्कूल की पढ़ाई कर रहा है, पर जैसे ही वो कॉलेज में जाता है मुझे लगता है कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको कम से कम 1 वीक हो गया किताब हाथ में लिए हुए, राइट? ये आपको सोचने की आवश्यकता है, ना? फिर आप क्या करते हैं, कॉलेज को ब्लेम करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती, कॉलेज में ये नहीं है, कॉलेज में वो नहीं है, कॉलेज में वो नहीं है। भैया जब आप कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे ना तो आप वहाँ पर ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भैया मेरे कॉलेज में ये अवेलेबल नहीं था, मेरे कॉलेज में वो अवेलेबल नहीं था। उससे उसको कोई मतलब नहीं है, है ना? क्योंकि आपने कहावत सुनी होगी कि सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, है ना? तो भैया आपको अपने कैरियर की जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ेगी। इधर उधर ढोलने की जरूरत नहीं कि मेरे पापा ने ऐसे कॉलेज में एडमिशन करा दिया, मेरे को तो वैसा कॉलेज चाहिए था, मेरा दोस्त वहाँ गया, मैं तो वहाँ नहीं जा पाया, मैं इधर गया। ये फालतू की बातें हैं। जहाँ भी आप हैं वहाँ पर अगर आप मेहनत करेंगे तो आप बेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ये सोचने की आवश्यकता है, आपको कंसिस्टेंट स्टडी करने की जरूरत है। बिल्डिंग न्यू स्किल्स, हमेशा नई स्किल्स पे ध्यान दीजिएगा, जो भी आपकी ब्रांच से रिलेटेड है, या अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में भी आपको बहुत सारी चीजें जो आनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर चलाना है, है ना? काफी सारे स्टूडेंट को मैंने देखा जो पावर पॉइंट एक्सेल भी चलाने में दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट को, ये सब चीजें आपको आनी चाहिए, राइट? अगर आप मैथ्स हैं तो आपको सॉफ्टवेयर चलाना आना चाहिए। स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो, जब आप अपना रेज्यूमे बनाएंगे, जब आप कहीं प्लेसमेंट के लिए जाएंगे तो आपको रेज्यूमे में लिखने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, उसके लिए ये सब स्किल और एक्टिविटी का होना जरूरी है। पीयर नेटवर्क्स, फ्रेंड्स का ग्रुप होना जरूरी है। जब आप अच्छे फ्रेंड्स बनाएंगे जो कि कहीं ना कहीं अपने फील्ड में अच्छी नॉलेज रखते हैं तो उनसे आपको भी कुछ सीखने को मिलता है। मूर्खों का साथ हमेशा कम से कम रखें, क्योंकि कुछ ऐसे भी होता है कॉलेज में आए मजे कर रहे हैं, ना? आजकल की बच्चों को ये वाली आदत भी होती है, पीने की आदत भी होती है, उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, राइट? ये जो 4 साल का समय होता है ये कहीं ना कहीं इन कामों में निकाल देते हैं, और जब वो बीटेक कर रहे होते हैं और कुछ ना कुछ बैग के साथ वेट कर रहे होते हैं कि मेरा एग्जाम जैसे तैसे करके निकल जाए, वो फिर बाद में परेशान होते रहते हैं और पछताते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इन 4 सालों में इतनी मेहनत कर लीजिए कि बाद में आपको पछताने का
मौका ना मिले, आप ये सब चीज़ें ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है और ये समय वापस आने वाला नहीं है। जब आप 4 साल बाद कहीं नौकरी करने जाएंगे, जॉब के लिए जाएंगे, तो फिर आप ये जो इन 4 सालों में जो मेहनत करी है वो कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर में यूज़ आने वाली है। अगर आपने नहीं करी है तो बाद में आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। यही मैं सभी से एडवाइस देता हूँ और मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ कि जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हैं वहाँ पे बेस्ट करने की कोशिश करेंगे। कमियाँ दूसरों में ना ढूंढें, कमियाँ खुद में ढूंढें और उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम हमारे करियर के खुद जिम्मेदार हैं। न तो जब हम आने वाले भविष्य में कहीं जाएंगे तो न तो माता पिता आपके साथ आने वाले हैं, न कोई कॉलेज का टीचर आपके साथ आने वाला है, ना भाई बहन कोई आपके साथ आने वाला है। आपकी लड़ाई खुद को लड़नी है, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए और मेहनत करना शुरू कर दीजिए। यही सब बातें मैं आप सभी को समझाना चाह रहा था। बाकी अगर आपका कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है, आप अपने कॉलेज का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं और आपका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे लिख सकते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय। बाकी अगर आप इन फ्यूचर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैथ्स कैर ऐप अवेलेबल है, पर अभी थोड़ा पढ़िए, 1-2 साल के बाद इन सब चीज़ों के बारे में सोचना, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में सोचना इन सब चीज़ों के बारे में। तो गेट CSIR नेट IIT CUET की तैयारी मैथ्स कैर ऐप पर आप कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम, इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के जितने भी आपके सिलेबस के सब्जेक्ट हैं वो सब आपको हमारे YouTube पे मिल जाएंगे। अगर आप BSc कर रहे हैं तो आपके मैथ्स के भी पूरा का पूरा सिलेबस हमारे यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारी कोशिश है कि हम आपके लिए कुछ बेहतर कर पाएं, बस थोड़ी सी मेहनत खुद को करने की आवश्यकता है। धन्यवाद।